यहाँ पे बैठ जाइए। ओफो, शांति से सांस तो लेने दे उर्मिला। अरे अपने आप को संभालना है तो और लंबी सांस लेनी पड़ेगी महेंद्र। दो फुट लंबी महेंद्र, दो मीटर लंबी सांस लीजिए महेंद्र। लीजिए चलिए, मीटर नहीं किलोमीटर महेंद्र, किलोमीटर लंबी सांस लीजिए, 2 किलोमीटर। नहीं महेंद्र, मील 1 मील लंबी सांस लीजिए। अरे 1 फीट लंबी सांस तो शांति से लेने दे उर्मिला। और तू अमोल, हो गया वजन बाकरवड़ी का? हाँ। तो दे ना इनको किलो, आपकी 2 किलो बाकरवड़ी। अमोल, इन्होंने 1 किलो बाकरवड़ी बोला था। नहीं, 2 किलो बोला था, 2 किलो। ये देखो अन्ना पुत्र, 2 किलो बोल के उंगली एक ही दिखा रहा है। अरे तो इन्होंने एक ही बार बोला था, तो दो बार नहीं बोला था कि 2 किलो दो। बेटा मैंने क्लियरली सुना था, इन्होंने 1 किलो बाकरवड़ी मांगी थी, है ना? हाँ। ले सुन, कितने झूठे हैं ये, इतने बड़े होके ऐसा झूठ बोलते हैं आप। मैंने आपको पूछा कि भाई साहब कितने बाकरवड़ी दूं, तब आप नहीं बोले बेटा किलो दो, तो मैंने 2 किलो दी, तो अभी 1 किलो बोल रहे हैं। अरे किलो दो मतलब देने वाला दो, 2 किलो वाला दो नहीं, ऐसा नंबर वाला दो नहीं भाई। मतलब मैं गलती करूंगा? मैं सुनने में गलती करूंगा? मैं, आपने बोला गलत होगा। हाँ गलत, सब गलत है। आप भी गलत हैं। पिछला कस्टमर जो आया था उसने पूछा था कि खोया लड्डू है, तो तूने क्या जवाब दिया था? क्या बोला था ये सुनिए। किधर खोया लड्डू आपने? यहाँ नहीं खोया लड्डू आपने। आपने जो खोया लड्डू वो कहीं और खोया लड्डू आपने, ये तो हमारे लड्डू है। ऐसा बोला ना? हाँ, तो ये लड्डू हमारा ही है, उसका खोया लड्डू नहीं है यहाँ पे, ये दुकान भी हमारी है। अजा पाछू। हाँ बाबा हाँ, ये दुकान, लड्डू, खोया लड्डू, मिला लड्डू, ये काउंटर, ये वजन काटा, मंगिया, गणेश, उर्मिला, ये? नहीं नहीं वो उर्मिला नहीं, बाकी सब तुम्हारा है। हाँ। हाँ? अरे क्या कर रहा होगा अमोल, मुझे नहीं जाना है, मैं क्यों जाऊंगा उधर, मैं इधर से भी नहीं देखूंगा। अमोल बेटा, तू ये ठीक से नहीं चलाएगा ना बेटा, तो नुकसान होगा, समझ? देखो दुकान में मोर। चला जय हिंद जय महाराष्ट्र, अभी 4 बजे आना हा? और अन्ना भाई के हाथों ही खरीदना, चला। अरे चुप बैठना तू, और आप लोग कहाँ चले, आप लोग रुकिए। अमोल बेटा, इनको 1 ही किलो बाकरवड़ी चाहिए। अच्छा, मतलब इन्होंने बदला? अरे हाँ आपने बदला, मैं बोल रहा हूँ ना, आपने बदला। हाँ, अब तू आधी निकाल के बाकी आधी बाकरवड़ी इनको दे। आधी, समझ गया? महेंद्र ये देखो, वो एक एक बाकरवाड़ी तोड़ तोड़ के आधी कर रहा है। अनाड़ी है ये, अनाड़ी ऐसी अनाड़ी गिरी करता है तू, अनाड़ी। ये देखो, ऐसे टाइम पे ये टैटा टूटू वाला मोर चालू हो गया। आपको रहना है तो रहो इसके साथ, मैं जा रही हूँ, जय श्री कृष्ण। अरे उर्मिला रुक जाना, मैं कुछ सोचता हूँ। महेंद्र अंकल, सो गए क्या? काम के टाइम पे कोई सोता है? बाहर कस्टमर की लाइन लगी है, काम नहीं करना है, दुकान अपने नाम पे कर ली, काम सब मुझे करना पड़ता है। अरे ए लालू क्या कर रहा है? हाँ, बाड़ा क्या कर रहा है तू? अन्ना। हाँ भारती बोल बेटा। वो झाड़ू मार रहा है।
अच्छा, मुझे लगा ये सड़क है वो महादेव पेट का हाथ है और ये बेचारा मेहंदी लगा रहा है। वैसे भी जिस तरह से हाथ चला रहा है ऐसे ही लगता है कि मेहंदी लगा रहा हो। ये देख, अरे ठीक से लगा, ये कचरा स्वतः बोल रहा है मुझे हटाओ यहाँ से। देख मैं तुझे सिखाता हूँ, ये देख ऐसे लगाते हैं झाड़ू। सासू भाई देखिए ना, झाड़ू मार रहे हैं। अहो समझा ना, हाँ अभी वहां से शुरू कर, वहां से बरोबर ऐसे मारते हुए उधर चला जा। हाँ क्या अभी हंसने को क्या हुआ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, समझ लेना। मैं उसको ये तो मैं भी अटक गए। कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं आप दुकान तक पहुंचने के लिए, ऐसे ही जाके देख के आइए ना। भारती वहिनी, मुझे बहाने भी आने। भारती वहिनी, अरे क्या हुआ अगर हमारे अन्ना चले भी जाते अपनी दुकान पे बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो भी क्या हुआ? अरे ये भारती, मैं उधर जा ही नहीं रहा था। अहो ये नालायक आपको वहां जाने नहीं देना चाहता ऐसा बोल बोल के, क्योंकि अमोल वहां महेंद्र भाऊ की नाक में दम कर रहा होगा ये देख के आप इसे ही पीटोगे ना। उसे वहां भेजने का सुझाव इसका था, प्रभाकर का नहीं। अच्छा तो फिर मुझे दुकान तक जाने की क्या जरूरत है, इसे इधर ही पीटता हूँ मैं। अन्ना, 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 अमोल को वहां ये जताने भेजा है कि दुकान अभी भी। वो मुझे पता है। भारती बड़ा तू जाके देख अमोल को उधर। बराबर। अरे रुक रुक रुक। बराबर। अरे क्या बरा 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 जोत से ना, तुम उधर दुकान पे देखो, देखो उधर उधर देख के ना, देखो उधर। अहो गर्दन अकड़ जाएगी आपकी, देखो देखो ऐसा बोल के वहां देखने की कोशिश करते करते। या तो आप खुद जाइए या फिर रहने दीजिए, उधम मचाने दीजिए अमोल को वहां पे। चल भारती खाना बनाते हैं। बराबर बराबर। उर्मिला आजा आजा। क्या है, इतना खुश हो होकर क्यों बुला रहे हैं मुझे? ये दिखाने के लिए कि अमोल पूरी तरह से ट्रेन हो चुका है। देख देख। आइए आइए आइए। अब पूछ क्या चाहिए। क्या चाहिए? मुझे 100 ग्राम बाकरवड़ी चाहिए। आगे बोलना, क्या सिखाया तुझे, बोल। हाँ हाँ काका, हम लोग कम से कम 500 ग्राम बाकरवड़ी बेचते हैं। पर बेटा मेरे पास तो 100 ग्राम के ही पैसे हैं। आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है? अमोल ऐसी परिस्थिति में क्या बोलना है सिखाया था ना तुझे, अन्ना साहब होते तो क्या बोलते। हाँ हाँ इसलिए ये लीजिए 500 ग्राम का पैकेट। अरे पर बेटा मेरे पास तो 35 रुपए ही है। हाँ वो सीनियर सिटीजन डिस्काउंट। हाँ 100 ग्राम पे 400 ग्राम मुफ्त। भगवान तुम्हारा भला करेगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखा उर्मिला देखा, वाह वाह चक्रम लाल। ऐ ऐसा करेगा ना तो तेरे अन्ना को नाज होगा तुझ पे। बहुत 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 नाज होगा। इतना इतना सारा, इतना इतना बहुत नाज होगा। इतना इतना बहुत सारा, इतना 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 सारा बहुत ज्यादा नाज होगा। ओ अन्ना साहब। अन्ना अरे आप लोग इधर। हाँ हम इधर, लेकिन आप उधर क्यों? आप मुझे बुला रहे थे क्या? नहीं नहीं अन्ना भाई, महेंद्र पागल हो गए, ऐसे ही हवा से बातें कर रहे। उर्मिला भाई आपसे ही बात कर रहा हूँ। अन्ना साहब होगा ना आपको इतना सारा नाज अपने बेटे अमोल पे। नाज कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ देखा भी नहीं। अच्छा तो छुप छुप के क्या देख रहे थे आप? छुप छुप के हारे हारे नहीं तो मैं तो इधर अखबार खरीदने के लिए आया था। फूलों की दुकान पे है? नहीं मर्जे। अरे समझे नहीं आप,
यहाँ का अखबार है ना खुशबूदार होता है, यहाँ समाचार भी बहुत महके हुए अच्छे अच्छे पढ़ने को मिलते हैं। अच्छा अच्छा, तो खुशबूदार हेडलाइन सुना दीजिए आज की। अरे हाँ हाँ जरूर जरूर, हाँ। शेयर बाजार का व्यापारी, हाँ सुनना, हाँ हाँ सुन रहा सुन रहा। शेयर बाजार का व्यापारी 6,000 करोड़ का घपला करके फरार। वाह सुगंधी खुशबूदार। ये थोड़ा कम सुगंधी वाला। सुनामी की वजह से 350 लोगों के घर नष्ट। और अरे बच्चे जैसे हैं आप, बच्चे जैसे आइए यहाँ। अभी अभी ठीक, मैं घर जाके थोड़ा खुशबू लेता हूँ। अरे मुझे भाकड़बड़ी दीजिए। ए हाय महेंद्र, ये भाकड़बड़ी बोला? हाँ ओ अन्ना साहब, आपके गोखले बंधु की आन का सवाल है। क्या क्या चाहिए आपको? अरे भाकड़बड़ी देते हो क्या? भाकड़बड़ी मेरे को, भाकड़बड़ी चाहिए। नहीं नहीं मिलेगी, पहले ठीक से बोलना सीख, उसका सही उच्चारण होता है बाकरवड़ी। बकरी, बकरी का ब, बाकरवड़ी बोल के दिखा। बाकरवड़ी, वाह शाबाश, जा 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 बड़ा जा। अरे क्या जाओ अन्ना साहब, ग्राहक है। अरे अरे चाहिए क्या? क्या भाव है बाकरवड़ी का? अरे 350 रुपए किलो का। अरे क्या तुमने क्या समझा, हाँ वो 350 एक किलो का? अरे बेड़ा एक बाकरवड़ी का 350 रुपया, क्योंकि क्या है ना बाकरवड़ी के अंदर जो मसाला डालते हैं ना सोना चांदी कूट के डालते हैं हम लोग, दरअसल ये गहनों की दुकान है। ओ शादी होती है ना तो माँ बाप अपनी बेटी के लिए इधर से बाकरवड़ी का हार लेके जाते हैं, बाकरवड़ी के जूम के लेके जाते हैं, और ये देख ये मोतीचूर के लड्डू के जैसा दिखता है ना, लड्डू नहीं है ये, नथ है नथ, नाक में पहनती है ना दुल्हन वो है, 5 लाख की है ये नथ, इसमें है ना असली मोती का चूरा डालते हैं इसलिए। उसका चेहरा देखो एकदम असली मान जा। अरे लिखा है ना उधर 350 रुपया, तो वो किलो का ही होगा ना। अरे बाबा ये हुई ना बात, ये हुए हमारे मराठी अन्ना साहेब। लेकिन ये मराठी अन्ना साहेब इधर खड़ा है अभिमान के साथ, उसके जिम्मेदार है ये गुजराती महेंद्र साहेब। अरे भाइयों, अरे लड़कियों, ये है ना ये छोटा भाऊ है मेरा, ये जो ऐसा जोधपुरी में खड़ा है ना, हाँ कितना मस्त, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और ये बटन पे बटन, ये देखो इसको बोलते है स्टाइल, ये भाऊ है मेरा, मेरा छोटा भाऊ है ये। छोटा भाऊ, छोटा भाऊ। बस अन्ना साहब एक दिन और फिर देखना कैसा हंगामा मचाते हैं।